नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग फॉर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में प्रश्नवली 1 वैदिक गणित, इसका चौथा पार्ट है ध्वजांक विधि से भाग दीजिए। इस पार्ट में आपके 4 क्वेश्चन दे रखे थे और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं रोज़ लेकर आता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करते हैं। 98,765 में भाग देंगे 87 का, जो भाजक है आपके 87 और भाज्य 98,765 है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ध्वजांक विधि से, और मैंने बता रखा है ध्वजांक विधि में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। इसकी पहली स्टेप में हम भाग देते हैं, दूसरी स्टेप में माइनस करते हैं। इसमें भाजक कितना है, 87 यानी 7 आ गया आपका ध्वजांक और 8 हो जाएगा मुख्यांक। और यहाँ पर पीछे एक अंक है तो पीछे वाली एक संख्या यहाँ पर कर देंगे तीसरे खंड में, और कितनी बची, 9,876 ये आपके मध्य खंड में आ जाएंगी। इसकी पहली स्टेप करते हैं। पहले स्टेप में आप पता भाग देते हैं, और भाग किसका देंगे, मुख्यांक का, और मुख्यांक कितना है 8, यानी 8 का भाग 9 में जा रहा है, या 9 में 8 का भाग देंगे तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा 1 और शेषफल भी 1 आ जाएगा। यानी भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना 1, और 1 को हम कहाँ लिखेंगे, जस्ट 8 के नीचे। अब करेंगे बाकी दूसरी स्टेप में, यानी 1 8 9 नहीं होते, 1 8 18 होते हैं। हम माइनस करेंगे, 1 को ध्वजांक 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 आता है। अब 18 में 7 घटाते हैं तो हमारे पास 11 बचते हैं। अब तीसरी स्टेप वही है, यानी भाग देंगे, इस 11 में भाग देंगे मुख्यांक 8 का, 8 का भाग 11 में देते हैं तो हमें भागफल 1 प्राप्त होता है और शेषफल आ जाएगा 3। यानी भागफल आ गया 1 और शेषफल कितना है 3, जो 7 के जस्ट नीचे आ जाएगा। अब करेंगे चौथी स्टेप बाकी, यानी 3 और 7 10 नहीं होते, इस विधि में 3 और 7 37 होते हैं। माइनस करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ध्वजांक यानी 7 से, तो 7 एकम 7 आता है। अब बाकी करेंगे तो बाकी करने पर हमें 30 प्राप्त होते हैं। अब पांचवी स्टेप करेंगे, इस 30 में मुख्यांक का भाग देंगे, और मुख्यांक कितना हमारे पास 8, 8 का भाग देंगे 30 में। हम 8 का भाग 30 में देते हैं तो हमें भागफल 3 प्राप्त होते हैं और शेषफल 6 प्राप्त होते हैं। यानी भागफल आ गए 3 और शेषफल आ गए 6, और 6 को हम 6 के जस्ट नीचे लिखेंगे। अब करेंगे छठी स्टेप, यानी बाकी करेंगे, इधर 6 6 66 हो गए। माइनस करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं ध्वजांक से, 7 21 होते हैं। अब 66 में से 21 माइनस करते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है। अब सातवीं स्टेप करते हैं, इस 45 में मुख्यांक का भाग देंगे, और मुख्यांक कितना हमारे पास 8, यानी 8 का भाग देंगे 45 में तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा 8 5 40, 5 प्राप्त हो गया और शेषफल भी 5 आ जाएगा। यानी भागफल भी 5 और शेषफल भी 5, और हम शेषफल को कहाँ लिखेंगे, जस्ट 5 के नीचे। अब करेंगे आठवीं स्टेप, और इस स्टेप में बाकी करते हैं, यानी 5 और 55 होते हैं न कि 10। 55 माइनस करेंगे, इस 5 को ध्वजांक से मल्टीप्लाई करते हैं, और ध्वजांक कितना है 7, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 35 प्राप्त होता है। अब बाकी करेंगे, यानी 55 में से 35 घटाते हैं तो हमें 20 प्राप्त होते हैं। अब आपको देखना है इसका भाजक कितना है, इसका भाजक है आपके 87 और शेषफल आ गया 20, और मैंने बता रखा है कि भाज्य का हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, अतः इस प्रकार आपका शेषफल हो जाएगा 20 और भागफल हो जाएगा 1135। भागफल हो जाएगा 1135 और शेषफल आ जाएगा 20। ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 इसी प्रकार, यानी 879 का भाग देंगे, और इसमें भाजक हो जाएगा आपके पास 879। इसमें पीछे वाला एक अंक 9 है, जो आपका ध्वजांक हो जाएगा, और बचा 87 जो आपको हो जाएगा मुख्यांक, यानी भाग देंगे मुख्यांक 87 का। पीछे एक अंक है, पीछे वाला एक अंक हम यहाँ उतार देंगे। अब कितना बचा है, इसको बीच में उतार देंगे, 2 10 15 और 32। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ध्वजांक विधि से, और मैंने बता रखा है ध्वजांक विधि में दो बातें होती है, पहले भाग देते हैं फिर बाकी करते हैं। इसकी पहली स्टेप है भाग देंगे, और भाग किसका देते हैं, मुख्यांक, और मुख्यांक कितना हमारे पास 87। इसका भाग 2 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा, 210 में भाग देंगे 87 का तो हमें भागफल 2 प्राप्त हो जाएंगे और शेषफल 36 प्राप्त हो जाएंगे। यानी भागफल आ गया 2 और शेषफल कितना 36, और इसको हम कहाँ उतारेंगे, 210 के जस्ट बाद, यानी 1 के जस्ट पहले। अब करेंगे दूसरी स्टेप बाकी करेंगे,
अब यहाँ पर कितना 36 लेख 37 नहीं होता, मैंने इस विधि में बता रखा 361 होता है। अब माइनस करेंगे इस दो को, दो जांग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 प्राप्त होते हैं, यानी माइनस करेंगे 18, बाकी कंडे पर हमें प्राप्त होंगे 343। अब तीसरी स्टेप है, वही भाग देंगे, 343 में भाग देंगे 87 का, तो हमें भागफल प्राप्त होते हैं 3 और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 82, यानी भागफल आ गया 3 और शेषफल कितना 82। इसको हम कहाँ उतारेंगे, जस्ट 5 के नीचे। अब चौथी स्टेप करेंगे, इसमें 82 और 5 87 नहीं होते, 82 और 5 825 होते हैं, माइनस करेंगे इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दहुजांग से, यानी 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 27 प्राप्त होते हैं और बाकी करने पर हमें प्राप्त हो जाएंगे 798। अब भाग देंगे 798 मुख्य अंक 87 का, 798 में भाग देंगे 87 का तो हमें भागफल प्राप्त हो जाएगा 9 और शेषफल आ जाएगा हमारे पास 15 भाग देने पर, यानी भागफल कितना है 9 और शेषफल कितना आ गया 15 और 15 को हम जस्ट 3 के नीचे लिखेंगे। अब करेंगे छठी स्टेप, और यहाँ पर 15 और 3 18 नहीं होते, 15 और 3 153 होते हैं, माइनस करेंगे इस 9 को दो जांग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 81 प्राप्त होते हैं और 153 में से माइनस 81 करते हैं तो हमारे पास 72 प्राप्त होते हैं। अब करेंगे सातवीं स्टेप, यानी वही भाग देंगे, 72 में भाग देंगे 87 का। अब इसमें भाग नहीं जा रहा, 87 का भाग 72 में देंगे तो भागफल आ जाएगा 0 और शेषफल आ जाएगा 72, यानी भागफल तो आ गया हमारे पास 0 और शेषफल आ गया 72। यहाँ कर देना भागफल 0 और शेषफल कितना आ गया 72। अब करेंगे आठवीं स्टेप, यानी 722 में से माइनस करेंगे, इस 0 को 9 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, यानी 722 में से घटाएंगे 0 तो हमारे पास 722 आते हैं। अब आपको देखना है इसमें भाजक कितना, यानी भाजक दे रखा है 879 और शेषफल कितना 722। आपको पता है कि भाजक हमेशा बड़ा होता है शेषफल से, इस प्रकार आपका भागफल हो जाएगा 2390 और शेषफल हो जाएगा 722। ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है।